हेलो फ्रेंड, नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये पौधा देख लीजिए, भली भांति इस पौधे से सब कोई परिचित होंगे। इसे धतूरा के नाम से जानते हैं और इसमें औषधीय गुण कुट कुट करके भरे होते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य से होने वाले बहुत सारे परेशानी को दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद के दवाओं में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, महाशिवरात्रि के दिन इसके फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। सावन में भी इसके फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, यानी कि भगवान शंकर जी को ये खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये चोट के दर्द को चुटकियों में दर्द जो होता है, चोट में किसी भी प्रकार के दर्द हो रहे हैं ना, चोट लगने के कारण, मोच लगने के कारण खून बह रहे हैं, उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, त्वचा के अलावा इसे खाना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जहरीले तत्व पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल केवल बाहरी तौर से ही करना चाहिए, वरना था इसके खाने से मौत भी हो सकती है। तो ये कान के दर्द को दूर करते हैं, गंजापन को दूर करते हैं, हड्डियों के दर्द को दूर करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी को लकवा की बीमारी होगी उसे भी दूर करते हैं, चोट की सूजन को दूर करते हैं, और ये आपके शरीर में यौन ताकत को भी बढ़ाने का काम करते हैं। विस्तार से इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कान में दर्द है, सूजन है, तो आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटी सेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसके कारण कान की समस्या को खत्म करता है। तो किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, इसके 4 से 5 छोटे छोटे जो बीज रहेंगे उसे ले लेना है इसके फल का, और कम से कम 5 से 10 ml जो तिल के तेल रहेंगे उसमें इसके बीज को डाल करके गर्म करना है। इसके बाद थोड़ा सा गुनगुने होने के बाद आपको अपने कानों पर डालना है। ये कानों के मैलों को भी बाहर निकाल देते हैं, दर्द को दूर करते हैं। जो लोग गंजेपन से परेशान है, बाल उगाना चाहते हैं, तो सरसों के तेल में इसके बीज को पीस लीजिए या सरसों के तेल में इसके बीज को डाल करके पका लीजिए और इसके बने हुए तेल से अपने गंजे सर पर मालिश करें तो बिल्कुल ही गंजे सर पर बाल आ जाते हैं। हड्डियों के दर्द हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके बने हुए तेल से मालिश करने से हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द दूर हो जाते हैं। हमने एक वीडियो में भी बनाए थे कि यह लकवा की बीमारी को भी ठीक करते हैं। जी, अगर आपके हाथ पैर सून हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो सरसों के तेल में 100 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम इसके बीजों को डाल लीजिए और गर्मा कर लीजिए। गर्मा करने के बाद थोड़ा जब आधा तेल बच जाए तो इसे शीशी या बोतल में भर करके रख लें और इसके बने हुए तेल से मालिश करना है। किसी भी प्रकार के लकवा की बीमारी हो, मुंह के लकवा को छोड़ करके शरीर के हर हिस्से के लकवा को ठीक कर देते हैं। चोट लग गए हैं, सूजन आ गए हैं, तो धतूरे के पत्ती को पीस करके चोट या सूजन वाले हिस्से पर बांधने से चोट जल्दी ठीक हो जाते हैं, सूजन भी दूर हो जाते हैं। हमने एक वीडियो में भी बताए थे कि ये बिच्छू के जहर को भी खत्म करने का काम करता है। जी हाँ मित्रों, इसके जड़ को पीस करके जहाँ पे बिच्छू ने काटा हो प्रभावित हिस्से पे, डंग के प्रभावित हिस्से पे बांध देने से सांप बिच्छू के जहर उतर जाते हैं। वैसे सांप के लिए नहीं करना है, बिच्छू के लिए सबसे इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जहर जहर को ही काटता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी आयुर्वेदिक जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।